अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कोविड सेंटर में दिशा फाउंडेशन और महाजन हॉस्पिटल का हेल्थ कैंप, 255 नागरिकों की जांच, 2 लोगों में संक्रमण की आशंका। नवी मुंबई वासी के कोविड सेंटर में अटके नागरिकों के लिए महाजन हॉस्पिटल की मदद से दिशा फाउंडेशन ने रविवार को फ्री हेल्थ कैंप लगाया, जहां बच्चों और महिलाओं समेत कुल 255 लोगों की जांच की गई। डॉक्टर प्रदीप महाजन ने बताया कि 20 दिनों से क्वारंटाइन किए गए इन लोगों में से 2 व्यक्तियों में कोरोना के आंशिक लक्षण पाए गए हैं। जांच नहीं होती तो यह पता चलना भी मुश्किल था। वहीं आयोजक एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने मेडिकल कैंप को लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए मानवीय सेवा बताया और भरोसा दिलाया कि जब तक ये लोग क्वारंटाइन में हैं, हम रेगुलर जांच कराते रहेंगे। जब कोविड-19 का सब्जेक्ट निकलता है तो बीमारी उतनी खराब नहीं है जितनी हम घबरा रहे हैं, मगर ये इन्फेक्टिव ज़्यादा है और मास पॉपुलेशन को पहुँच रही है, जिसकी वजह से इसके जो असिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जो पहले 10 दिन में जिनको इन्फेक्शन हो जाएगा, यंग पॉपुलेशन, वो सबसे डेंजर होता है, जिसकी वजह से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो रिस्क में आ जाता है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है। ये इससे मेडिसिन और ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग काम करेगा, जिसकी वजह से हमको कांटेक्ट तोड़ना है इन्फेक्टेड लोगों से। यदि ये टूट जाएगा तो हमारे पास की मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बहुत कम हो जाएगी। और वैसे भी हम इंडिया में जैसा देखा है तो हमारे मुख्य हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने सबसे वर्ल्ड में सबसे पहला निर्णय लिया है ये सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम टॉप पर गिना जाता है ये पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिभाशाली देश भी, अमेरिका, इटाली, आज वो हमको फॉलो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंट है हमारी, बीमारी से डरने से अच्छा उसकी फिक्र करना ज़रूरी है, हमको उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा है, उससे डरने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान का यदि किया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, हम काफ़ी अच्छे स्थल पर है। वैसे नवी मुंबई के हिसाब से देखा जाए तो हम अभी भी काफ़ी अच्छे स्थल पर है। हमारी जो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ है, कॉरपोरेशन्स है, NMC है, हेल्थ अथॉरिटीज़ है और कमिश्नरेट है और पुलिस है, इन्होंने बहुत इतिहास से ये सब मैनेज किया है, इसको सेग्रीगेट किया, इसकी वजह से हमारे पास में देखा जाए तो इन्फेक्शन का रेट भी कम है और डेथ भी कम है। और यही हमें स्ट्रिक्टली यदि हर नागरिक ने इसको अपनी जिम्मेदारी बोलकर करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, तो शायद हम ये कोविड-19 की जो फाइट है हम इजीली। अभी सर जैसा का मुझे कल के आंकड़े से ये था, 243 यहाँ पे लोग थे दिहाड़ी मजदूर, और 7 या 8 लोग जो है ये रेलवे ट्रैक वासी से जा रहे थे, पनवेल साइड में अलीबाग जाना था, कोई अच्छी फैमिली है उनको भी इधर रोका गया। कुल मिला के 250 के ऊपर ही है, 52 दो चार और बड़े होंगे, उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। इतने 250 मान के चले, हम 250 आज पूरा जो है करके तब यहाँ से जाएंगे। बहुत बड़ा संदेश है, डॉक्टर महाजन हमारे साथ आए हैं, और भी जो आपके मीडिया आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा, आप अगर देंगे और भी डॉक्टर, मैं नहीं समझता हूँ जो नहीं आएंगे। और जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे कि भाई मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन बहुत कम पड़ रहा है, नहीं हो पा रहा है, कल रात से मैं वाशी में अयप्पा मेडिकल स्टोर, न्यू सिटी मेडिकल स्टोर, ये रास्ते में और ये कई जितने थे सबके पास मैं गया, सब ने 2, 4, 6, 10 पत्ते पूरे वाशी मेडिकल स्टोर ने सब ने मुझे सहयोग किया, वो मेडिसिन लेके आया, और डॉक्टर साहब बाकी जो मेडिसिन था डॉक्टर साहब लेके खुद आए हैं, पूरा अपना जो कि इक्विपमेंट है सब सारा उपयोग डॉक्टर महाजन का है। बता दें कि मेडिकल कैंप में महाजन हॉस्पिटल की टीम ने नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, सलाह और उपचार भी प्रदान किया, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सेहत में बदलाव की खबर करने की भी जानकारी दी। क्वारंटाइन किए गए नागरिकों ने भी महाजन हॉस्पिटल और दिशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्री हेल्थ कैंप के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।